जी हाँ, रिसेंटली व्हाट्सएप ने एक काफ़ी बड़ी अपडेट की थी और अपडेट के मुताबिक आप सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप का स्टेटस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में काफ़ी लोगों ने मेरे से सवाल किया कि भाईजान कैसे हम अपने व्हाट्सएप की लिमिट को जो है वो बढ़ा सकते हैं, 30 सेकंड कर सकते हैं। और यूट्यूब पर काफ़ी ऐसी वीडियोज़ भी देखने को मिल रही हैं कि जो कि 1 मिनट का और 5 मिनट का भी स्टेटस लगा रहे हैं। तो जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि इस टाइम मेरे व्हाट्सएप के अंदर भी जो स्टेटस लिमिट वो 30 सेकंड ही है, यानी कि 15 सेकंड नहीं हुई। तो ये सब कुछ कैसे हुआ और कैसे अभी भी जो है मैं अपने WhatsApp का स्टेटस जो है वो 30 सेकंड्स के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं, तो जानने के लिए देखते रहे How to चैनल को। जी हां, जब से WhatsApp की लिमिट जो है वो कम हुई है, YouTube के ऊपर काफी ऐसी वीडियोस बनना शुरू हो गई हैं कि कैसे आप अपने WhatsApp की स्टेटस की लिमिट को जो है वो बढ़ा सकते हैं, यानी कि 30 सेकंड तक भी कर सकते हैं, 1 मिनट तक भी कर सकते हैं और 5 मिनट तक भी आप जो है अपने स्टेटस की लिमिट वगैरह को जो है वो बढ़ा सकते हैं। ऐसे में वो आपको रिकमेंड करते हैं कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जैसे कि GB व्हाट्सएप हो गया, FM व्हाट्सएप हो गया, और अगर कोई और भी एप्लीकेशन है तो आपको वो रिकमेंड करते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ इस एप्लीकेशन को जो है वो डाउनलोड कर लें। लेकिन जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं आपकी सारी प्राइवेसी जो होती है वो एक्सपोज हो जाती है, यानी कि आपकी फोटोज, वीडियोज वगैरह, आपकी चैट्स वगैरह जो है वो लीक हो जाती है, ऑन एयर हो जाती है और कोई भी बंदा जो है इजिली उन चीजों को हैक कर सकता है। और चले हैकिंग छोड़ो, लेकिन अगर आपको स्टेटस जो है वो 1 या 5 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए मिल भी जाता है तो क्या दूसरों को जो है वो 30 सेकंड की वीडियो शो होगी आपकी? जैसे ही आप व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर जो है वो अपनी 30 सेकंड या 1 मिनट की वीडियो लगा भी देते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही शो करेगी, यानी कि जो दूसरा बंदा है उसे वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटस जो है वो 15 सेकंड का ही शो करेगा, लेकिन आपकी हौसला अफजाई के लिए, आपको तसल्ली देने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग आप तक ही जो है वो 1 मिनट या 30 सेकंड शो कर रही होगी। तो ऐसे में आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो है वो अभी डाउनलोड ना करें, आप अपनी प्राइवेसी का जो है वो ख्याल रखें। ये प्रॉब्लम जो है 15 सेकंड वाली सॉल्व हो जाएगी जब लॉकडाउन जो है, जब दुनिया जो है इस वायरस से निजात हासिल कर लेगी, तमाम सोशल मीडिया पर वही एक्टिविटीज, वही चीजें जो है, वही सेटिंग्स जो है वो दोबारा सही हो जाएंगी। ये बस टेंपरेरी चीज है। तो इसी तरह कोई भी ऐसी एप्लीकेशन, कोई भी ऐसी वीडियो जो है उस पर यकीन ना करें। अगर मेरा 30 सेकंड का स्टेटस शो कर रहा है तो मैंने अभी तक अपने व्हाट्सएप को जो है वो अपडेट नहीं किया। जी हाँ, जैसे ही मैं अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लूंगा तो मेरा भी स्टेटस जो होगा वो सिर्फ 15 सेकंड के लिए जो है वो शो करेगा। तो ऐसे में कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है कि मेरा स्टेटस जो है वो 30 सेकंड के लिए क्यों शो कर रहा है। अगर मैं 30 सेकंड की वीडियो लगा भी देता हूं तो लोगों को सिर्फ और सिर्फ वो 15 सेकंड ही शो करेगी। तो ऐसे में कोई भी ऐसी एप्लीकेशन या किसी भी ऐसे लिंक के ऊपर क्लिक करके एप्लीकेशंस को डाउनलोड ना करें, क्योंकि इससे कल को आपकी प्राइवेसी जो है, कल को आपकी वीडियोस वगैरह, फोटोज वगैरह जो है वो लीक हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत सारे तो थोड़ा सा तो जरूर फायदा हुआ होगा। अगर हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करो, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो अगर आप हाउ टू चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हाउ टू चैनल। ऐसे में जो है हम कीप इन टच रहेंगे, मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आपको मिलते रहेंगी। उम्मीद करता है नई वीडियो में होगी मुलाकात। अब तक के लिए चाहता आप सब लोगों से इजाजत, गॉड ब्लेस।